चांद्रयान मोहिमेसारखे काम जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा ते पूर्ण हो किंवा न हो त्यातून मिळणाऱ्या शिकवणीतून ते काम पुढे नेले जाते. जेव्हा चांद्रयान 2.1 किलोमीटर अलीकडे होते तेव्हा पृथ्वीशी म्हणजेच आपल्याशी संपर्क तुटला. मात्र संपर्क कोठे तुटला, कसा तुटला याचा अभ्यास करून आपले शास्त्रज्ञ येणाऱ्या काळात हे काम पूर्ण करण्यासोबतच भारतीय आपले पाऊल चंद्रावर ठेवतील असा विश्वास DRDOचे डायरेक्टर जनरल प्रवीण मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट सुवर्णयुग तरुण मंडळतर्फे ट्रस्टच्या 127व्या वर्षानिमित्त आयोजित गणेशोत्सवात प्रवीण मेहता यांनी सहकुटुंब दगडूशेठ गणपतीचं दर्शन घेतलं. यावेळी ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, प्रवीण मेहता यांच्या पत्नी मधु मेहता उपस्थित होते. यावेळी मेहता यांच्या हस्ते गणरायाला अभिषेक देखील करण्यात आला. तसेच चांद्रयान 2 मोहीम हाती घेऊन भारताने आत्तापर्यंत मिळवलेल्या यशाबद्दल गणरायाला तिरंगी हार अर्पण करून पुढील मोहिमेच्या यशस्वीसाठी त्यांनी प्रार्थना केली. मैं भी रात को देख रहा था लाइव इसको. जब भी हम कोई ऐसा काम करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर चाहे वो कार्य पूरा हो या नहीं हो, हमें जो उससे सीख मिलती है उसी सीख के चलते हुए हम आगे उस कार्य को पूरा कर पाते हैं. जैसा कि बताया गया कि जब ये 2.1 किलोमीटर ऊपर था तब उसका जो संबंध था वो हमारे जो पृथ्वी से था उससे टूट गया. बट जिस ढंग से हम वहाँ तक पहुँचे, जितने स्टेजेस हमने पार किए और जिस कारण से नहीं हो पाया, उसका पूरा एनालिसिस करके उसको आगे वापस किस ढंग से किया जा सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आने वाले टाइम में इसे बहुत जल्दी पूर्ण करके दिखाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय अपना कदम चांद पर रखेगा. ये देखिए, एक पहली बार प्रयास था कि हम जो हैं दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चांद पर अपना कदम रखें, क्योंकि वह जो पार्ट है उस पर अभी तक कोई भी प्रक्षेपण नहीं किया गया और वहाँ पर हमें हीलियम 3 मिलने का उम्मीद था. अगर हीलियम 3 मिला तो उसके कारण पूरी पृथ्वी का जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको 500 साल तक उसका काम चल सकता है. तो वह एक बहुत ही एक अलग टाइप का खोज पॉसिबल है. बट मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में यह जरूर हो पाएगा.